मोर अपने बेसुरा आवाज पर क्यों उदास था? क्या खुद को स्वीकारना ही खुशी का पहला कदम है? एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज पर गया जो बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह उदास हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर से एहसास हुई। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत दिए और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझ गया कि व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक और दूसरों से अलग होता है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ बिकॉज एवरी वन यूनिक इन दिस वर्ल्ड। अपने आप की तुलना किसी से ना करें, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ जो अलग है वो किसी के पास नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।